बरेली मंडल एवं मुरादाबाद मंडल के आजाद समाज पार्टी काशीराम के पदाधिकारियों की समीक्षा मीटिंग में मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व MLC सुनील कुमार चित्तौड़ रहे एवं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अक्षय अंसारी एडवोकेट सहित भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के मुरादाबाद मंडल के काफी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को 11 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना लोकसभा सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। आज की समीक्षा मीटिंग में बरेली मंडल एवं मुरादाबाद मंडल के काफी लोग आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए। भारतीय संविधान के रचयिता हम सबको वोट का अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, बहुजन नायक मनवर काशीराम साहब और बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों और आज वाल्मीकि समाज के महापुरुष दीना वाल्मीकि साहब के प्रकाश दिवस पर उनके लिए भी और तमाम महापुरुषों को खराज अकीदत पेश करते हुए आज मंच पर हमारे मुख्य अतिथि के रूम में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व MLC माननीय श्री सुनील कुमार चित्तौड़ साहब, बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, प्रदेश संगठन सचिव भाई संजीव सागर जी, बरेली मंडल के प्रभारी प्रदेश सचिव बड़े भाई राजेंद्र सिंह गुर्जर जी, मुरादाबाद मंडल के प्रभारी प्रदेश सचिव भाई बाबू सारपत अली साहब, प्रदेश सचिव बड़े भाई रमेश गंदर जी, मुरादाबाद मंडल के अध्यक्ष भाई पुष्पेंद्र राणा जी, बरेली मंडल के अध्यक्ष भाई महेश सागर जी और सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जावाद साथियों, हम सबको अभी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो दिशा निर्देश देंगे उसको हम सब लोगों को दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और मैं अपनी रिपोर्ट माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष पेश करता हूँ कि मैं 24 घंटे होते रात दिन के तो मैं लगभग 12 घंटे से 14 घंटे पार्टी के काम में लगा रहता हूँ और जो भी मुझे दिशा निर्देश मिलते हैं उनको मैं पूरी मेहनत के साथ निभाने का काम करता हूँ और जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके लिए भी मैं तन मन धन से उन निर्देशों का पालन करने के लिए कोशिश करूंगा और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे हम सबको दिशा निर्देश देंगे समय क्रम है और सभी लोगों से यहाँ पर जो उपस्थित है मेरे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी साथी सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि मीटिंग समाप्ति के बाद एकदम आप लोग चले ना जाएं क्योंकि मैंने खाने का व्यवस्था रखी है तो सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, अपील है कि मेरा जो खाने का व्यवस्था है वो स्वीकार करें और खाना खाकर ही जाएं यहाँ से। सभी लोगों को इसी के बाद जय भीम, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।